क्या बात है, पैसा वसूल हुआ नहीं अभी तक। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, क्या हाल है भाई सबके। तो भाई बस जब भी जस्ट उठे हैं, अभी सीधा मुंह हाथ धो के और फिर जाना है एक बार शॉप पर, वहाँ से कुछ सामान लेके आना है। फ्रिज का कवर था भाई ने ऑर्डर कर रखा है, 3-4 दिन तक तो वहीं पर रखा है, तो वो लेके आना है। जल्दी से ले कर आऊँ भाई, फिर ना तो होंगे और जो बाकी की थोड़ी सी पैकिंग बची है वो भी करनी है। हाँ भाई, तो शॉप तो आए थे घर, नान होगा अपना रेडी हो गए सामान में, और पापा हर बार खड़े हैं, तो चलते हैं अब सीधा टूर पे। अब बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सिल्की बता रही है अपनी पैकिंग सारी, बैग वगैरह, ये अपने मोजा जी है, शिमला जा रही है भाई। हेलो करो यार, हेलो। आप कैमरे की नजर में है, तो बाबा की गोदी में बैठा तो करियो, बैठा मेरी में तो भाई भादर के डागे उन्हें रेडी लग रही थी, बोलिया अग बाबा आलू खाऊंगा, मैं आलू का नाम दे रखा था, इसी कहना आलू का नाम दे रखा था, क्यों बाबा तो प्रतिक्रिया करता ना इन चीजा दे। हाँ तो आलू का नोले, आलू खाऊंगा नोले, सूर्य आलू खोने अड़क दे नोले, बाबा ये आलू रे नोले सूर्य अंडे भाई भाई, तकरीबन हम सारे के घुमा दिया, देख ले कोई भी चीज नहीं रखी बाबा की हमने, ऐसी एक वैदो मतलब सारी तो नौ की नौ तो माता घुमा दिया, वो हिमाचल वाली सारी विनोद की गाड़ी ले जा रहे थे हिमाचल में, तो शिरडी शिरडी घुमा दिया, शनिदेव घुमा दिया, दादू प्रसन्न हो गई है बिल्कुल। हाँ कति एकदम सही, ऐसी सेवा था नहीं पा रहा जी, मम्मा को किसी कर दे। गरोंडा आ लिए भाई, देख लियो मौसम एक नंबर का हो रहा है, रोमांटिक। कोई सेंस है इस बात की? टोल पकड़े हैं, पापू दुखन लग गए थे, घनी देर बैठे पापू खोल थोड़े, बेटी कहाँ जा रही, आजा 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 आंची गंदी बच्ची, आजा 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 बेटी आजा, नहीं पानी मेरी तेरी मम्मी मारेगी। थक गया है आंच, बाय जा रहा हूँ मैं, बाय जा रहा हूँ मैं, बाय कर दे भाई, आना आ जल्दी जा रहा हूँ मैं, जल्दी आ ये बाय कर दे, बाय एंची बाय कर दे, बाय पानी बनी। ये जब आ रहा था ना फरीदाबाद, एंची बिच्ची आई लव यू, हेलो कर दो। भाई अंबाला पहुंच गए, टाइम हो रहा है 1:00, गुरप्रीत के ढाबे पे भूख भाग लग रही थी, सुबह खाया था, देख लो गुरप्रीत पंजाबी ढाबा, चलते अंदर, मम्मी और जाली अंदर, ये अपने सरदार जी हैं, यहाँ पर झूले लाग रहे भाई,
तो चलते सीधा अंदर। भाई खाना खा के और पापा सूखा भरया आई देख लो। सर मम्मी जो लल्ला करी है कर दी चालने की तैयारी। पंचकूला पहुंच गए भाई, आड़े तो शिमला रह गया 90 किलोमीटर। पीछे दिखाओ था बोर्ड पर 90 किलोमीटर है, पहाड़ दिखन लाग लिया भाई देख लो। चलते हैं जा आगे अपनी गाड़ी। भाई अंकल कितना कोरोना का ध्यान रखन लाग रहे, पेट्रोल पंप पे भी पेट्रोल डालने खातर ये थोड़ा पेट्रोल डलवा दे, डल गया पेट्रोल दे देख लो। यो डला पेट्रोल, पैसा फूक दिया पेट्रोल में, 100 रुपए बच गया भाई, 3500 मत है। चल सनवारा है भाई, सोलन जान लाग रहे हैं। जो जान का टोल टैक्स जो आन का देख लो, क्या शानदार नज़ारा है, बेहतरीन व्यू है भाई। सुनो फोन ला रही भाई देख लो। हमारी भी कर दो ना रेखा की कुछ करने, देखा दिखा दो दिखान तो लग रही है मोनी पागल, इधर कर रुजा रुजा। ऊपर कर ले किसी को दिखा दे, मेरा तो ये उड़ गया यार। आ गई थोड़ी मारी तो किस से भी कोनी साइड पर भाग जाओ भाग जाओ करेंगे आ जाओ। ए मिस्टी ये दोस्तों धुंध पड़नी शुरू हो गई है, अभी 4 बजे हैं। और अभी यहाँ से सोलन अभी 7-8 किलोमीटर दूर है और शिमला लगभग 55 किलोमीटर 55 किलोमीटर के आसपास बता रहे हैं यहाँ से। पहाड़ पड़ गया भाई देख लो, अपनी सेफ्टी का यो आओ तो ना अपने घर आ रहो भाई। सोलन में पहुंचे देख लो, बर्फ पड़ रही है भाई, ताजा बर्फ पड़ रही है देख लो, ताजा बर्फ है, सारे के बर्फ पड़ रही है। किस टाइम पड़ी थी अंकल जी बर्फ है?
तो अभी पड़ रही थी जब हम लोग आए तो। कितनी देर पहले आए हो आप? अभी आधा घंटा पहले। शिमला? अच्छा आप पे सोलन सोलन में बर्फ पड़ रही है? अरे अच्छा सोलन की 5 किलोमीटर आगे सर। अच्छा सोलन पहुंचन हो रहे भाई, पहुंचे नहीं अभी 5 किलोमीटर आगे है, बर्फ पड़ रही है भाई सारे गया। दुकान भी भाई किसी ने चिकन चकन खाना हो तो आप तो खाया नहीं करते, इतनी ज्यादा दूर है। बाकी किसी ने खाना हो, भूख लाग रही हो तो आज का खास कर भाई। भैया स्नोफॉल हो रही है आगे। हेलो बंद हो गया, स्नोफॉल अभी बंद हुआ है। अच्छा शिमला में हो रही होगी? अच्छा मामी आ जाएंगे। थैंक यू भैया। अंकल जी कहाँ पे? हम सोलन में है अभी। सोलन में हमारी टीम। अच्छा अच्छा, और ये बर्फबारी कब हुई है यहाँ पे? ये 2 घंटा पहले बंद हुई है अभी। 2 घंटा पहले? उससे 5-6 घंटा पहले चलती रही है लगातार। 5 घंटे लगातार चली है? अरे वाह, नजारा तो बड़ा शानदार है। ये पहली बार हुई है यहाँ पे? इस सीजन की पहली बार बर्फबारी है ये। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। अरे वाह भैया, मन गर्मी थोड़ी ज्यादा लगे रहे इसलिए। देख लो फुल प्रोग्राम हो रहा है, हट दो। ट्रेन का मौसा जी हो तो ट्रेन का लो भाई, हट तो ट्रेन आ कर सीधा रोहतक जाओगे हटते भाई साहब। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। ये देखो दोस्तों क्या खूबसूरत नजारा है, बेहतरीन शानदार नजारा है। क्या बात है, पैसा वसूल हुआ नहीं अभी तक। मौसा जी क्या ले रहे हो? क्या ले रहे हो? कैमरा बंद कर। अच्छा नाना यूट्यूब पाओगी, यूट्यूब पाओगी, टेंशन की रुपीज क्या देते। लो भाई तगड़ी स्नोफॉल हो रही है भाई, बिगन मजा आ गया। आड़े देख लो यार एक मिनट। लो लो लो, यहाँ देखो यहाँ। भाभी जी यहाँ देख लो एक बार, देख भाई बड़ा भाई। पसंद वही बात कहेंगे, देख लो बर्फ है, बर्फ है सारे के जीत। देखो वहीं पर बर्फ। भाई शिमला आई 20-21 किलोमीटर है। तारे भाई ना लग यार गर्मी तो काट दिया टी शर्ट आशर्ट देख लो। 66% बैटरी में तो बहुत मारा मेरी भी लेना। मम्मी खेल खेलो हाँ भाई बर्फ ज्यादा पड़ गई है शिमला का तो रोड बंद कर दिया, इस वापिस सोलन की तरफ चल पड़े हैं। यहाँ पे फिलहाल होटल में रुक रहे हैं, जाम लग रहा है बहुत तगड़ा। 3 घंटे हो गए भाई, जाम बहुत तगड़ा है, ले नहीं जा रहा है, उल्टे जाऊंगे भाई सारे, जाम लग रहा है बहुत भाई। 8 बज लिए, अरे इतनी जाम लग रहा है भाई, दिमाग खराब हो गया भाई। जितने राज्य हुए थे उतना ही दिमाग खराब हो गया, घनी तगड़ी बर्फ पड़ गई, अरे सारे उल्टे जान लग रहे, जाम लग गया तगड़े वाला। देख लो भाई सारे नुआ है तो ये बांधे आनी कसोली होटल बुक कराया है, क्योंकि भाई सारे होटल बिक गए थे, कती सारे होटल सोल्ड आउट थे, कोई एक रूम नहीं था। ये कसोली है भाई, वापिस जान लग रहे हैं तो बीच में भाई शामली तो यहाँ पर आए हैं भाई प्रदीप भोजनालय, ये भी यहाँ पे खाना खा लें पहले क्योंकि होटल तो लिए फिर ना तो भाई खाना भी नहीं मिलेगा, चलते हैं सीधा खाना खाने। लोग आन लग रहे हैं भाई,
वापिस आने लग रहे क्योंकि रास्ते बंद हो गए भाई, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, आपने देखा भी होगा। हेलो, बढ़िया खाना बनाइयो पाजी। भाई खाना पैक करा लिया क्योंकि ठंड हो रही है बहुत, देख लो ये अपना बोतल ले लें और चिप्स वगैरह। ठीक है भैया, ठीक है आंटी जी, थैंक यू। भाई 11 बज गए, इब आए यहाँ पर सत्यम होम स्टे में, एंट्री कराने लग रहे हैं पापा, नेट नहीं चल रहा तो भैया ने वाईफाई का पासवर्ड दिया है, धन्यवाद भैया। ये अंकल जी, चलते हैं आप अपना रूम में। दुखी तो हुआ भाई आज, लेकिन होटल मिल गया है। ये भाई है, एक तो ये कमरा है और एक ये रूम है, तीसरा रूम भाई ये है, ये अपना सिस्टम पानी करने का। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल अड़के पुल के उनका। तीन रूम लिए भाई, भाई खाना खाया, खाना खा कर चलते हैं अब अपना रूम में, वहाँ पर भरेंगे फ्लेवर का, फिर वो पी के और फिर सोएंगे। पी लिया भाई, सोने की तैयारी कर दी, तो कल देखते हैं क्या प्रोग्राम रहेगा भाई। जितने आज मजे करे थे उतना थोड़ा थक भी गए थे, अब अपना सोंगे। तो भाई मिलते हैं कल की वीडियो में, राम राम, सत श्री अकाल, गुड नाइट, जय बाबा की।